को बताएं कि पंजाब काबीना ने सोलर प्रोग्राम रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी दे दी है। सोलर घराना रोशन प्रोग्राम का 90% हुकूमत देगी। ये अरबों रुपए का प्रोग्राम है। वजीर इत्तला पंजाब अजमा बुखारी का कहना है कि आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली है। विफाक ने भी बिजली के 200 यूनिट पर रिलीफ की मंजूरी दे दी है। मजीद बोली कि पंजाब में ई टेंडरिंग का निज़ाम जल्द शुरू हो जाएगा। अब कोई टेंडर अंडर टेबल नहीं होगा। 64 लाख खानदानों को निगवान रमज़ान पैकेज देना हो, या जो है वो रोटी की कीमत में कमी करनी हो, या साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो उसका प्रोजेक्ट हो, इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं आपके सामने मैंने वो किए। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और जो है वो है बिजली के, और गो ये वफाक का जो है वो एम्बिट बनता है, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो लीडर है कि वो उनके लिए कोई इशू पंजाब वफाक उसका नहीं होता। जो आम आदमी का इशू है वो उनका इशू है। और इसके ऊपर मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि वफाकी काबीना ने भी आम आदमी के जो है मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए 200 यूनिट तक का जो सार्फीन है उनको जो है उनके लिए रिलीफ जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए उसकी मंजूरी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ भी 200 यूनिट तक के लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो उनका सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, उसको जो है उसकी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है।